कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अभिरत शांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है अभिक्षा की पूरी टीम की तरफ से। हम कर रहे हैं परीक्षाओं की तैयारी और यहां भौतिकी के अलावा सभी विषयों पर और कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं दोनों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अभिक्षा के प्लेटफॉर्म द्वारा आपको कराई जा रही है। ये सारी सुविधाएं आपको हमारे प्लेटफॉर्म यानी कि हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में भी मिलेगी और वहां एडिशनल मटेरियल मिलेगा आपको, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड मैप, और इसके साथ साथ 12वीं के बाद जब आपको करियर काउंसलिंग की भी आवश्यकता हो तो हमारे पास पूरी तैयार टीम है। तो हम जो है चर्चा कर रहे हैं विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत द्रव की द्वैत प्रकृति के बारे में। हम लोगों ने इससे पहले अंकित प्रश्न देखे हुए हैं और अब हम जो है लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से पेन कॉपी उठाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए। और हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत प्रभाव में कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे देने पर कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक को छोड़कर परमाणु से बाहर चला जाता है या उसका उत्सर्जन हो जाता है, उस ऊर्जा को हम कार्यफलन से परिभाषित करते हैं। यहां पर इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? इसको जो है हम प्रदर्शित करते हैं फाई द्वारा, और फाई का मान एच न्यू नॉट के बराबर होता है, जिसमें यह आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। 2019 में पूछा गया यह प्रश्न था। आगे हम देखेंगे कि डी ब्रोगली तरंगों से को से आप क्या समझते हैं। तो 2019 और 21 में और 2019 में पूछा गया यह प्रश्न कि डी ब्रोगली तरंगें क्या होती हैं। हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से प्रकाश जो है वह कणों जैसा भी व्यवहार करता है और इसके साथ साथ यह तरंगों जैसा भी व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार डी ब्रोगली ने कहा कि जो पदार्थ है जिनके पास में अपना द्रव्यमान है, इनके पास भी तरंगों की भांति व्यवहार करने की क्षमता होनी चाहिए। और इसके बाद में इन्होंने कहा कि जो पदार्थ हैं उनसे जुड़े हुए, मतलब जो द्रव्यमान के युक्त पदार्थ हैं उनसे जुड़ी हुई तरंगों को हम डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। इसको परिभाषित तो हम लोगों ने कर दिया। अब अगला प्रश्न ही आपसे पूछता है कि डी ब्रोगली तरंग का समीकरण क्या है। तो यहाँ लैम्डा यानी ये क्या है, ये तरंग दैर्ध्य है, और किसी भी पदार्थ का, किसी भी गतिशील पदार्थ का जो लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य होता है वह एच बटा एम वी के बराबर या एच बटा एम सी के बराबर। यहां पर एम वी कर देने से अब जो है ये जो है समीकरण बिल्कुल सही बैठता है। इसको जो है हम लोगों ने कहां देखा था, इसको हम लोगों ने देखा था डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी और ये बराबर होता है एच के। तो यहां से यानी कि अनिश्चितता के समीकरण से यह बात हमारे पास में निकलकर सामने आती है। आगे देखेंगे कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है। तो अब हम लोगों ने क्या देखा हुआ है, लैम्डा बराबर एच बटा एम वी, लैम्डा बराबर एच बटा एम वी। तो यहां पर यदि हमको द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान एम बराबर, द्रव्यमान m बराबर h बटा बटा लैम्डा गुणा उसका जो वेव होगा v, ये जो है उसका फोटोन। अब क्योंकि यह फोटोन है तो फोटोन जो है किस गति से चलता है भैया, प्रकाश की गति से, इसलिए हम बोल सकते हैं h बटा लैम्डा c, यह जो है इसका द्रव्यमान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान विराम हो जाने पर जो है यहां पर देखिए, विराम हो जाने पर यह मात्रा जो है हो जाएगी शून्य, और यहां पर जो है यह शून्य हो जाने पर जो है हमको फोटॉन का जो द्रव्यमान है वह भी शून्य मिलेगा, ठीक है। तो फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। आगे देखेंगे कि न्यू आवृत्ति वाले फोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। जब हमको पता है कि लैम्डा बराबर एच बटा एम सी होता है तो अब जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको द्रव्यमान निकालने के लिए जो है हम m बराबर h बटा लैम्डा c बोल सकते हैं, और लैम्डा स्वयं में जो है वो c बटा न्यू होता है। तो इस तरीके से ये यहां पर हो जाएगा h न्यू बटा c का वर्ग, और यहां पर जो है हमको उसके द्रव्यमान के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, सी का वर्ग बिल्कुल सही है और ये जो है 2020 में पूछा गया प्रश्न है। आगे का प्रश्न देखिए कि डी ब्रोगली तरंगों की दो विशेषताएं लिखिए। पहला है कि डी ब्रोगली तरंगें जो है वह गतिशील कणों के साथ में जुड़ी हुई तरंगे हैं, गतिशील तो कणों के साथ में जुड़ी हुई तरंगे हैं। दूसरी बात यह है कि यह भी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह
यह भी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह निर्वात से जा सकती है, मतलब इन्हें भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो 2021 में पूछा गया यह प्रश्न था। आगे हम बढ़ेंगे कि आपके द्वारा आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है लेकिन उनकी संख्या नहीं बढ़ती है। प्रकाश की तीव्रता हम लोगों को पता है E=hν होता है, जहां पर ये तीव्रता है तो यह उसकी गतिज ऊर्जा के को प्रभावित करती है लेकिन उसकी संख्याओं को प्रभावित नहीं करती है। 2022 का यह प्रश्न है। आपके बाद में आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर, अच्छा यहाँ पर जो है हम प्रकाश की तीव्रता की बात कर रहे हैं, तो तीव्रता जो है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या से सीधे सीधे जो है अनुक्रमानुपाती होती है। इसका कारण ये है कि जितना ज्यादा तीव्र प्रकाश होगा उतने ज्यादा फोटोनों की संख्या जो है होगी, तो जितने ज्यादा फोटॉन होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होता है कि तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या या विद्युत धारा में वृद्धि होती है। अब आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों के वेग पर प्रभाव पड़ता है और ये जो है हमको E बराबर h न्यू और इसके बराबर जो है हाफ एम वी मैक्स का मैक्स स्क्वायर, यानी कि उसकी अधिकतम जो गति होती है वह ऊर्जा से डायरेक्टली प्रभावित होती है और ऊर्जा जो है एच न्यू से होती है। तो जैसे तीव्रता बढ़ाएंगे इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा या अधिकतम गति में भी वृद्धि होगी। 2022 का ही ये भी प्रश्न है। आगे देखेंगे कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा देने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवृत्ति यानी कि न्यू बढ़ा देने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वह प्रभाव तीव्रता से पड़ता है। 2022 का यह भी प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे, प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है और इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव ये है कि जो है जैसे हम लोगों ने हर्ट्ज के प्रयोग में देखा कि किसी भी प्रकाश को किसी भी सूटेबल यानी कि किसी भी सही प्रकाश की किरण को जब हम किसी धातु की सतह पर आपतित करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कुल मिला के प्रकाश की ऊर्जा एच न्यू और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो है वो एच न्यू बराबर वर्क फंक्शन फाई धन धन का उनकी गतिज ऊर्जा के ई के बराबर होती है। यह प्रकाश के उत्सर्जन का कारण, मतलब ये प्रभाव है। तो हम क्या बोलते हैं कि किसी सूटेबल प्रकाश की किरणों के आपतित होने पर किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं और इसके नियम क्या हैं। पहला नियम है कि प्रकाश इसमें जो है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह समानुपाती होती है, किसके समानुपाती है, प्रकाश की तीव्रता के। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई भी समय नहीं लगता है, यह एक त्वरित क्रिया है। और तीसरी बात यह है कि जो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और एक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश न होने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। 2021 का और 2019 का प्रश्न है ये। आगे बढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टाइन समीकरण की स्थापना कीजिए। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था कि E = hν, ठीक है, E = hν। अब जो है यहां पर जो है हम और एक चीज क्या देखते हैं, E = mc²। तो हमको यहां पर पता चल गया कि hν = mc² ये जो है एक समीकरण है। अब यहां पर जो है हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि कुल मिला के जो है जो ऊर्जा है hν, कुल मिला के जो ऊर्जा है hν, इसे जो है दो कार्यों में उपयोग किया जाता है। पहला है कि hν से जो कुल मिला के जो तरंग से एक ऊर्जा मिल रही है या प्रकाश से जो ऊर्जा मिल रही है उसका एक हिस्सा कार्य फलन के रूप में और दूसरा हिस्सा जो है उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। यदि हम गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र निकालें तो वह क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के ई बराबर कुल ऊर्जा hν और ऋण कार्य फलन ये हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं KE = hν ऋण hν₀। और ये hν₀ जो है यह देहली आवृत्ति के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं KE = h और यहां पर न्यू माइनस
न्यू नॉट, और यही जो है उसकी कुल मिला के गतिज ऊर्जा का संबंध होगा। 2016 में 21 में पूछा गया यह प्रश्न है और हम लोगों ने इस समीकरण की स्थापना कर ली है। आगे काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम वी स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं, तो हम ये जो है समीकरण में अपना स्थान ले सकता है। आगे बढ़ेंगे, प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है? आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। प्रकाश का विद्युत प्रभाव ये कहता है कि किसी भी धात्विक सतह पर यदि हम एक न्यूनतम आवृत्ति वाली प्रकाश की किरण डालते हैं तो उसके सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे हम प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। जो है इसके बाद में इन्होंने कहा कि जो है किसी भी आवृत्ति वाले प्रकाश किरण में निहित ऊर्जा का मान एच न्यू होता है, जिसे दो प्रकार से उपयोग किया जाता है, पहला है कार्यफलन और दूसरा है उसकी गतिज ऊर्जा। और यहां पर जो है इस समीकरण को हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा बराबर एच न्यू ऋण एच न्यू नॉट, जहां न्यू नॉट जो है वह न्यूनतम आवृत्ति है जिसके नीचे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। 2019-2021 में पूछा गया यह प्रश्न है। आगे देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए और बताइए कि तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की नहीं की जा सकती, ऐसा क्यों है? तो तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी तरंग की जो ऊर्जा होती है वह, अब भाई हमको क्या पता है, आई बराबर के ए स्क्वायर, यहाँ जो है ये आयाम है, और जो है जैसे ही हम जो है इंटेंसिटी यानी कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं उसके आयाम में वृद्धि होती है, और आयाम जो है वो सीधा जो है जुड़ी होती है उसके ऊर्जा के स्तर से। इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से जो है हमको ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक होने के साथ साथ उन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि की बात हमें दिखाई देनी चाहिए। लेकिन न्यूनतम एक आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति वाले इलेक्ट्रॉनों को जो है जिससे कम आवृत्ति वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, मतलब इससे कम आवृत्ति वाली प्रकाश की किरण अगर धातु की सतह पर डाली जाए तो वह कार्यफलन से कम होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। यदि ऐसा होता कि जो है प्रकाश यहां जो है किसी तरंग की भांति व्यवहार करता तो ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज यह है कि जब भी जो है इस ऊर्जा का, भाई ये ऊर्जा जो है किसकी ऊर्जा है, यह फोटॉन की ऊर्जा है, और यह फोटॉन की ऊर्जा जो है वह एक ही इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से या उसके नाभिक से बाहर निकालता है, जबकि यह अगर तरंग होती तो वह उस कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को बराबर रूप से ऊर्जा प्रदान कर रही होती। दूसरी बात क्या है कि इसमें लगने वाला जो समय है, जिसमें लगने वाला समय है मतलब जैसे ही प्रकाश की किरण जिसकी आवृत्ति जो है न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो, वो जैसे ही जो है धातु की सतह पर पड़ना चालू करती है वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का समय मतलब उत्सर्जन चालू हो जाता है, उसमें कोई भी समय नहीं लगता, यह एक त्वरित क्रिया है। जबकि अगर जो है हम तरंग की भांति व्यवहार कर रहे प्रकाश की व्याख्या करना चाहते तो इसमें अधिक समय लगता। ठीक है, तो इन सारी बातों के साथ में आपको 2019 में, अब भैया यहाँ पर जो है आपको कितने अंक मिलने वाले हैं, एक धन 3/4 ये था, तो आप मान के चलते हैं कि ये वाला जो प्रश्न है वो 3 अंक का था। आगे बढ़ेंगे और निम्न का अर्थ समझाइए, हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है। तापायनिक ऊर्जा क्या होती है? जब जो है हम कार्यफलन को पूरा करने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा देते हैं तो ताप बढ़ने के साथ साथ आयनों का यानी कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इसे ताप आयनिक उत्सर्जन कहते हैं। दूसरी बात, कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसे देने पर कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक को छोड़कर और उस परमाणु से बाहर निकल जाता है, उसे कार्यफलन कहते हैं। विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या कहलाती है? विकिरण की द्वैत प्रकृति कुछ केसेस में हम लोगों ने जैसे कि यंग स्लिट्स डबल एक्सपेरिमेंट, प्रकाश का जो है विवर्तन, इन सारे जो है तरीके से जो है हम लोगों ने देखा है कि प्रकाश किस प्रकार प्रकाश जो है वेव की भांति व्यवहार करता है, मतलब तरंग की भांति व्यवहार करता है। लेकिन जब हम लोगों ने विद्युत उत्सर्जन के बारे में बात किया, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, तब यहाँ पर पुष्टि होती है कि प्रकाश जो है कण की भांति व्यवहार करता है। इस तरीके से प्रकाश दोनों प्रकार से व्यवहार करता है और यह ही प्रकाश की विकिरण की द्वैत प्रकृति कहलाती है। 2020 का प्रश्न है और आपको यहाँ पर 3 अंक मिलने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, द्वितीयक उत्सर्जन किसे कहते हैं? जब कोई गतिशील कण या दो जब कोई गतिशील इलेक्ट्रॉन किसी धातु के
एक इलेक्ट्रॉन से आकर टकराता है तो वह उसे कार्य फलन के बराबर ऊर्जा दे देता है और वह इलेक्ट्रॉन जो है वह धातु की सतह से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार के उत्सर्जन को द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। बेहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके ऊपर ही प्रकाश के विकिरण द्वारा विद्युत इलेक्ट्रॉन जो है मतलब प्रकाश किरण द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रारंभ होता है उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जहां प्रकाश की तरंग ऊर्जा से या प्रकाश की जो है प्रकाश ऊर्जा से जो है हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करके उसमें विद्युत विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। प्रकाश विद्युत सेल या सोलर पैनल वह युक्ति है जहां आपतित प्रकाश विद्युत धारा के प्रभाव उत्पन्न करती है। 2020 का प्रश्न है और आपको यहाँ पर 3 अंक मिलने चाहिए। आगे हम देखेंगे कि क्षेत्र उत्सर्जन क्या है। यदि किसी चालक के आसपास एक बहुत ही तीव्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाए और इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए तो इस प्रकार के उत्सर्जन को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या कहता है कि किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉनों को यदि धातु की सतह पर गिराया जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है जिसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। निरोधी विभव वह विभव है जिसे हम क्या करते हैं जिसे हम एमिटर और कलेक्टर के बीच में लगा देते हैं और इससे जो है हम इसके प्रकाश के जो है गतिज ऊर्जा के मान की गणना करते हैं उसे हम निरोधी विभव कहते हैं। 2020 का यह भी प्रश्न था और यहाँ पर भी आपको 3 अंक मिलने चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अब ये चैप्टर के जो है जितने भी टॉपिक्स थे जो भी प्रश्न थे हम लोगों ने सब पर चर्चा कर ली है। अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ में आपके सामने आएंगे। हम परमाणु और उसके बाद में नाभिक इस दिशा से जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको भी तेजी से पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क करें, कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याएं बताएं और अभी तक अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।